हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम। वेलकम यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। चलिए टॉपिक पे बात करते हैं कि वैकेंसी कैसे बढ़ी जाए। अगर इतनी वैकेंसी हो जाती है तो क्या हो सकता है, कितनी कट ऑफ नीचे जा सकती है। पहले तो वैकेंसी की बात करते हैं कि कैसे बढ़ सकती है। देखो, थर्ड ग्रेड रीड की वैकेंसी है कितनी, आपको पता है 48,000, 48,000 वैकेंसी की बात है, 48,000 वैकेंसी है। अब अपकमिंग जो रीट आने वाली है, जिसकी ये बात कर रही है कि 12,000 जो है आने वाली रीट के ऊपर वैकेंसी निकलने वाली है। अगर उस रीट को इसी भर्ती में ऐड कर दिया जाए तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 12,000 ये पोस्टें अगर इसी में इंक्लूड कर दी जाए, ठीक है, तो 12,000 ये पोस्ट हो जाती है। इसके बाद असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, आपको पता है संविदा कर्मी जो इन्होंने रखनी है, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसमें ये क्या कर रही हैं, असिस्टेंट टीचर रख रही हैं। आपको पता है वैकेंसी निकली हुई है, 10 तारीख लास्ट है उसकी, 10 अप्रैल। अब उसमें इंग्लिश की और मैथमेटिक्स और साइंस वगैरह की वो पोस्टें निकली हुई हैं, और उसमें उन्होंने क्या बोला है कि ग्रेजुएशन के अंदर इनकी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में इनकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और वो बहुत ही कम लोगों की है। राजस्थान में लगभग जो है बच्चे वो हिंदी मीडियम वाले हैं। तो अगर इन पोस्टों को भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो भी है तो राजस्थान के अंदर ही खुल रही है ना, तो वहां पर भी टीचर्स की रिक्वायरमेंट तो भाई, तो अगर उन पोस्टों को भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए तो यहां पे पोस्टें कितनी बनती हैं, असिस्टेंट टीचर की जो वैकेंसी है वो कितनी आई हुई है, 9712 के करीब यहां पे वैकेंसी बता रही है असिस्टेंट टीचर की। अगर इन सभी को एक इसी रीट मेंस के आधार पे इनको भर्ती किया जाए तो यहां पे टोटल पोस्टें की कितनी बनती है, देखो यहां से 2 आ गया, यहां से आया 1, यहां से 7, इसके बाद देखो 8 और 2 10, 10 और 9 19, 9, 4 5 और 1 6, तो यहां पे कितना हो गया, 69,712, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70,000 यहां पे हमारी जो रीट मेंस की भर्ती हो सकती है अगर जादूगर चाहे तो, और हमारी जो बात है उन तक पहुंचनी भी चाहिए किसी ना किसी तरीके से, कि जो अभी रीट मेंस में उन्हें भर्ती करनी है वो टोटल यहां पे 70,000 की हो सकती है आराम से, अगर इस तरीके से ये सोचे, क्योंकि जादूगर कुछ भी कर सकता है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट बढ़ा सकता है, जो स्टूडेंट्स ने पहले वाली जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सारी चीज रट रखी थी उनके साथ वो खिलवाड़ कर सकता है, तो ये चीज तो वो कर ही सकता है ना, इतना तो कर ही देगा, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है, वसुंधरा राजे जो सरकार थी, उन्होंने लगभग 54,000 के करीब क्या निकाली थी, रीट मेंस की भर्ती निकाली थी। तो ये जादूगर रिकॉर्ड तो बना के जाएगा, अब वो रिकॉर्ड कैसे बना के जाता है उसका मैंने एक आइडिया इसको दिया है, अगर ये सोचे तो 70,000 यहां पे पोस्ट कर सकता है। इसके अलावा हमारी कट ऑफ के ऊपर इसके साथ असर तो पड़ेगा, अगर 70,000 वैकेंसी हो जाती है, भर्ती हो रही है अगर रीट मेंस की, साथ में जो सेकंड ग्रेड के जो भी बंदे हैं इनका रिजल्ट जल्दी आ जाए, इनकी पोस्टिंग हो जाए, फर्स्ट ग्रेड वालों की जो है पोस्टिंग जल्दी से हो जाए थर्ड ग्रेड से पहले, तो लगभग आप मान के चलिए अगर तीनों चीजें हो जाती हैं तो आराम से आपके जो 10-15 जो क्वेश्चन है वो कम जाएगी कट ऑफ जो अभी जो बताई जा रही है। तो अगर ये बात पहुंचे, अगर ये वो चीज कर सकता है, उसके हाथ में है ये चीज, क्योंकि अगर देखें इसमें कुछ भी अलग नहीं है, 12,000 वो निकालने वाले हैं तो इसी में इंक्लूड कर दिए जाए, 9712 जो असिस्टेंट टीचर रखने हैं महात्मा गांधी स्कूलों में, वहां पे इंग्लिश मीडियम वाला कोई है ही नहीं, सारी हिंदी मीडियम में ग्रेजुएशन की है सभी ने, तो वहां पे बच्चों को पढ़ाएगा कौन, तो उसको अगर इसी में इंक्लूड कर दिया जाए तो यहाँ पे 70,000 के करीब यहाँ पे क्या पड़ी है, पोस्टें खाली पड़ी है, तो ये कर सकता है। होप सो आपको ये जो आइडिया है वो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सपोर्ट करें, और सभी भाई बहनों का क्या हो जाए, रीट मेंस में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।